को सम्राट कराटे एकेडमी में जो हमने अक्टूबर में कराटे का एग्जाम दिया था उसके लिए हम सबको अपने बेल्ट ग्रेडेशन के सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं। सम्राट कराटे एकेडमी पूर्णिया में काइकुशिन कराटे जो कि एक फुल कॉन्टैक्ट कराटे एंड द ओनली फुल कॉन्टैक्ट कराटे इन द वर्ल्ड है उसके लिए उसका ट्रेनिंग यहाँ दिया जाता है। हम सभी स्टूडेंट्स ने जो कि आप यहाँ देख सकते हैं सब ने ये बेल्ट ग्रेडेशन का एग्जाम दिया था और हम इसमें सक्सीड भी हुए हैं। काइकुशिन कराटे या कराटे सीखने से हम सभी में एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम सबका एंड्योरेंस स्टैमिना स्पीड स्ट्रेंथ हर चीज़ में एक प्रोग्रेशन आता है, एक प्रोग्रेसिव वे में हम लोग अपने आप को लीड कर सकते हैं, हमारा माइंडसेट फ्री होता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है। स्पेशली आजकल जैसी दुनिया है या जैसा हम लोग का माहौल है अपने आप को सुरक्षित रखना ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है और खुद में एक आत्मनिर्भरता को डेवलप करना ये भी हमारी खुद की जिम्मेदारी है। स्पेशली गर्ल्स को तो कराटे सीखना ही चाहिए क्योंकि इससे उनकी डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर बहुत कम हो जाएगी। स्पेशली मैं अपनी पर्सनल द्वारा अब हम सभी स्टूडेंट्स को ये सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। दक्षा रॉय एब्सेंट, एब्सेंट। आदृति आनंद, अपर ऑरेंज बेल्ट से। कृतिका कुमारी ऑरेंज बेल्ट। पीयूष कुमार ऑरेंज बेल्ट। कुमार हर्ष अपर ऑरेंज बेल्ट। मोहम्मद वामिक अपर ऑरेंज बेल्ट। गीतांजलि गुप्ता अपर ऑरेंज बेल्ट। साक्षी गुप्ता अपर ऑरेंज बेल्ट। दर्श अपर ऑरेंज बेल्ट। अदम्य आनंद अपर ऑरेंज बेल्ट। सुशील कुमार ब्लू बेल्ट। सिद्धार्थ कश्यप ब्लू बेल्ट। श्रेयांश रॉय रूबी ग्रीन बेल्ट। आशीष कुमार ऑरेंज बेल्ट। दिव्यांश अपर ऑरेंज बेल्ट। सोनाक्षी गुप्ता अपर ऑरेंज बेल्ट।
बलराम दास ब्लू बेल्ट। प्रियांशु प्रांजल ऑरेंज बेल्ट। सभी ने देखा अभी कि हम सभी को ये सर्टिफिकेट्स मिले हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सर्टिफिकेट्स का कोई काम नहीं आ रहा या सिर्फ कराटे के फील्ड्स में ही ये काम में आता है। आप चाहे आर्मी में जाएं, स्पोर्ट्स में जाएं, डिफेंस में जाएं या कोई भी जॉब सेक्टर में जाते हैं, हर जगह आपको एक स्पोर्ट्स का प्रिविलेशन मिलता है। आपको लाइफ में स्ट्रगल करने का, एक कॉम्पिटिटिव नेचर को मेंटेन करने का एक हौसला मिलता है, एक पावर मिलता है। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। व्हेन आई जॉइन द एकेडमी आई वॉज अराउंड 140 kgs एंड जस्ट इन 3 months आई लॉस्ट अराउंड 20 kgs ऑफ माई वेट। सो मुझे ये बहुत ही फ़ायदा मिला है। बिफोर दिस आई वॉज इन सम डिफरेंट स्टाइल्स, बट जब से मैंने काइकोशिन फुल कॉन्टैक्ट कराटे में अपना आपको इनरोल किया है, तब से मैंने खुद में एक अच्छा पावर, एक अच्छा बैलेंस, एक अच्छा एंड्योरेंस और स्टैमिना को महसूस किया है, और ये एक डिफरेंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकता हूँ। सो प्लीज़ सभी को प्रमोट करें, अपने वार्ड्स को, अपने कंसर्न्स को, या आप खुद को भी प्रमोट करें कि आप इस स्टाइल के कराटे में आएँ और खुद को, अपने आप को एक बेहतर पर्सन बना के निकाल सकें। थैंक यू वेरी मच। उल्टा है, यहाँ पे कराटे को लेकर के काफ़ी क्रेज, जैसा कि हम देख सकते हैं, टीनेजर्स में बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ बस टीनेजर्स नहीं, काफ़ी एक अच्छे एज में आने के बाद भी लोगों में काफ़ी एक उत्सुकता है कराटे को सीखने के लिए। सम्राट कराटे एकेडमी के एक स्टूडेंट सुशील कुमार जी से आज हम लोग पूछने वाले हैं कि एक 45-46 एज में आने के बाद जब लोग ये सोचते हैं कि उनके हाथ पर अब काम करना बंद कर देंगे, उन्हें लाठी की ज़रूरत पड़ने लगेगी, उसमें वो इतने फिट कैसे हैं और कराटे जैसे एक हार्ड चीज़ में वो कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं। सुशील कुमार जी, सबसे पहली बात, आप अब ब्लू बेल्ट में जा चुके हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस चीज़ की। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप कराटे में किस तरह से अपने आप को लेकर के आए? सबसे पहले तो मैं इस संस्था के जो ऑल इन ऑल है सम्राट कराटे एकेडमी के प्रीतम सर, उसको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज और उन्हीं के बदौलत से आज मैं इस योग्य हूँ कि इस उम्र में भी मैं कराटे का अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। मेरा नाम सुशील कुमार हुआ जी, और मैं भवानीपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा एज 46 ईयर्स हो रहा है और
मेरे अंदर अभी काफ़ी उत्साह है। जब मैं कराटे सीखने आया था तो मैं मेंटली रूप से डिप्रेशन में था, मानसिक तनाव से मैं जूझ रहा था। कभी कभी मेरे मन में ऐसी भावना भी आई कि मैं आत्महत्या कर लूँ। लो बीपी, मतलब लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स कहा जाए मेरे पास थे। लेकिन मैंने 28 जुलाई 2019 को सम्राट कराटे एकेडमी ज्वाइनिंग किया और इसमें धीरे धीरे पार्टिसिपेट करना शुरू किया। मतलब काफ़ी मुसीबत का सामना मुझे करना पड़ा। सबसे पहले तो ऐसा होता था कि मतलब कराटे में मतलब 2-4 सप्ताह है, उसके बाद आने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन हमने ये सोचा कि हम मर ही रहे हैं तब जाके कराटे में ही मरना है, ऐसा मैंने अपने आप को ठान लिया और धीरे धीरे मतलब आना शुरू किया। अब तो ऐसा हो गया कि मतलब 2-5 आदमी अगर आ भी जाए तो उनसे हम भली भांति लड़ सकते हैं, अच्छी तरह लड़ सकते हैं। मतलब अपने अंदर आत्मविश्वास जग चुका है। और पहले हम क्या करते थे, जब शरीर में दर्द होता था तो मतलब यहाँ से जाके गर्म पानी में हल्दी पी लेते थे, दर्द काफ़ी होने लगता था। अब तो ऐसा लगता है कि अभ्यास हो गया है मेरा जी, अब दर्द वगैरह महसूस ही नहीं होता जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको, और हम यही कामना करते हैं कि ऐसे ही आप अपने स्वास्थ्य को सही रखेंगे और कराटे में आप अव्वल से अव्वल स्थान पर जाएं। और आप हम सभी के लिए एक प्रेरणा हैं, उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो इस उम्र में अपने लाठियों को खोजते हैं, और आप खुद के लिए एक मिसाल बन गए हैं, समाज के लिए मिसाल बन गए हैं। एक बार जोर बता दिया। लड़कियों के उत्थान के लिए सरकार और समाज दोनों ही काफी एक डिफिकल्ट समय से जूझ रहा है, जहां पर लोगों में और स्पेशली लड़कियों में सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, उनको खुद में प्रोटेक्टेड फील कराने का एक बहुत ही अच्छा जरिया कराटे है। सम्राट कराटे एकेडमी की एक स्टूडेंट रूबी जी से हम जानते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट किया और कैसे वो आज ग्रीन बेल्ट के मुकाम तक पहुँच पाई हैं। सो हेलो, सो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रूबी है। सो आप कैसे इसमें इनरोल्ड हुई और कहाँ से आपने अपना जर्नी को बिगिन किया और क्या क्या आपने डिफ़िकल्टीज को फेस किया? जब मैं स्कूल जाती थी, मेरा स्कूल काफ़ी दूर था और मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, उनके साथ एक बार एक हादसा हुआ। मैं स्कूल जाए थी, सुनसान रास्ता बता था, कुछ लड़के उनको मिलकर छेड़ रहे थे। वो लोग तो कुछ नहीं कर पाए, मैं उस वक्त थी भी नहीं, ना मैं कुछ कर पाती जब तक। तो ऐसा हुआ कि वो लोग आके बताए, हम लोग के साथ अपनी स्टोरी शेयर किया तो हम लोगों को पता चल, मैं सोची गया अगर ये अभी अपने आप को नहीं बचा पाए तो आगे कैसे करेंगी। तो ये मैं ये सोची अगर इनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। इसलिए मुझे स्ट्रांग बनना है ताकि कोई कुछ भी बोले तो मैं उसका मुँह तोड़ जवाब दे सकूँ, किसी से डरूँ नहीं, किसी के आगे झुकूँ नहीं, कहीं आना जाना हो अकेले अपना कर सकती हूँ, किसी के भरोसे नहीं बैठ सकती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना कराटा सीखूंगी, अपना कुछ करूँगी, कराटे सीख लूँगी तो मेरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ जाएगा, इससे मैं कहीं भी कुछ भी आ जा सकती हूँ, कर सकती हूँ। इसलिए मैं कराटे सीखने का निर्णय ली थी। और आपको क्या लगता है कि जब आपने बिगिन किया था अपने कराटे का जर्नी को, उस टाइम पे आप जैसी थी और अभी आप जिस तरह का खुद को महसूस करती हैं, उसमें क्या डिफरेंस है? जब मैं कराटे स्टार्ट की थी आप तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, स्ट्रॉन्ग हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इतना है कि मैं कुछ भी कर सकती, किसी से भी बात कर सकती, अकेले भी कहीं भी आ जा सकती, कोई डर नहीं है। जितना पहले डरती थी अब बिल्कुल ही डर नहीं लगता, अब तो मैं बिना डरे सब कुछ कर सकती हूँ, कहीं भी आ जा सकती हूँ। आपको क्या लगता है कि लड़कियों में जो आजकल लोग बोलते हैं कि सरकार को बहुत नीतियाँ लाने की ज़रूरत है, तो आपको क्या लगता है, आपको इसका कोई लाभ मिलेगा या आपको इसका ज़रूरत है कहीं भी?
मुझे नहीं लगता कि कोई लाभ मिलेगा, ना ही मुझे किसी से चाहिए कुछ। मैं अपने लिए सीख रही हूँ, अपना कुछ करना है, मुझे किसी के भरोसे नहीं बैठना है। एक बहुत ही अच्छी बात है जैसा कि आपने हमसे शेयर की है, सभी लड़कियों को कुछ नहीं तो कुछ सेल्फ डिफेंस जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये हाथ चूल्हा चौका करने के लिए बने हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चूल्हा चौका ही करें, ये हाथ कराटे चॉप्स भी मार सकते हैं और आपकी हड्डियां भी तोड़ सकते हैं। धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां।